हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिलीशियस फूड किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल और चावल सेम टाइम में सेम कुकर में, और ये चावल और दाल बिल्कुल अलग अलग पक के तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना दाल और चावल सेम कुकर में सेम टाइम में। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कटोरी अरहर की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। दाल को भिगोना ज़रूरी है ताकि वो जल्दी पक जाए। तो देखिए दाल कितने अच्छे से भीग गई है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आधा ग्लास चावल, मैं सेम ग्लास यूज़ करूँगी पकाने के लिए। तो इसमें देखिए आधा ग्लास चावल है, और इसको भर के हम पानी यूज़ करेंगे। नमक यूज़ करेंगे दाल को पकाने के लिए, तो 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। यहाँ पे कुकर में मैंने ऐड किया भीगी हुई अरहर की दाल, और चावल को हम धुल लेंगे। और जो ये दाल को मैंने डाला है, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं ताकि ग्लास रखने में आसानी हो। और ये देखिए चावल को अच्छे से धुल लिया है। इसमें ऐड करेंगे पानी, तो आधा ग्लास चावल और आधा ग्लास पानी। जो पानी है वो ऊपर पूरा फुल हम भर देंगे। और अब इस ग्लास को हम कुकर में रख देंगे, और इस ग्लास को अच्छे से कटोरी से ढक देंगे। थोड़ी गहरी कटोरी से ढकिए। और अब हम ऐड करेंगे दाल में पानी को। तो 1 ग्लास पानी मैं दाल में ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पानी की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी, आधा छोटा चम्मच ऐड किया हल्दी, और ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, जो बैचलर्स हैं और या जॉब वाले हैं, ये बहुत आराम से बन जाता है। तो अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे, और बहुत ही आराम से एकदम सावधानी से जो कुकर है उसको हम गैस पे रख देंगे, और हाई फ्लेम पे 4 सीटी आने तक हम इसको पका लेंगे। तो 4 सीटी आ चुकी थी, और जो कुकर है उसका प्रेशर भी निकल चुका है। तो अब ढक्कन खोलते हैं, देखते हैं कि हमारा चावल और दाल पका कि नहीं। तो ये देखिए, ये कटोरी हटाया और ये चावल जो है वो कितने अच्छे से पक गया है। ग्लास अभी थोड़ी गर्म है, तो कपड़े की हेल्प से हम चावल के ग्लास को हम निकाल लेंगे बाहर। और यहाँ पे अब दाल को देखते हैं, तो कलछी से ऐसे दाल को मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ दाल कितने अच्छे से गल गई है। तो देखिए अब हम इसको सर्व कर देते हैं एक बाउल में। आप इसको टिफ़िन में या फिर लंच में आराम से कभी भी खा सकते हैं, और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे हम अलग अलग दाल और चावल को बनाते हैं। और जो चावल की क्वांटिटी है वो 1 पर्सन के लिए बिल्कुल आराम से आ जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।